Hello everyone, very good evening to all of you, dear students. I am Shahid Khan and you are watching Wings Se Udaan. जैसा कि आप सब जानते हैं, we have started a video series on Indian polity in which we are trying to cover all the important topics that are in Indian polity. किसी भी exam को लेके आप चलें, जितने भी important topics हैं competitive perspective से, उस सब को हम एक details explanation के साथ यहाँ पे cover करने की कोशिश कर रहे हैं. And especially इसमें हमारा focus ज़्यादा जो रहने वाला है वो रहने वाला है जो VLW के एग्ज़ाम्स में, एग्ज़ाम के जो सिलेबस में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स मिले हैं, यानी कि पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम आपका आने वाले महीनों में होने वाला है. सो इससे पहले भी ऑलरेडी तीन वीडियोज़ आ चुके हैं. एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पे था एंड दो वीडियो जो थे वो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे थे. दिस इज़ द फोर्थ वीडियो एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी डिफरेंट टॉपिक बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो चलिए शुरू करते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, देर इज़ एन अनाउंसमेंट के पंचायत सेक्रेटरी और VLW जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले समय में, उसके लिए ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं. एंड अगर आप ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट कम एंड रजिस्टर योर सेल्फ, बिकॉज जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं, जगह ज़्यादा होती नहीं है स्टूडेंट्स के लिए. सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले आके रजिस्ट्रेशन करा लेगा उसको यहाँ पे सीट मिल जाएगी एंड वो ऑफलाइन अपनी कोचिंग जो है वो कंटिन्यू कर सकता है. सो दिस वाज द अनाउंसमेंट एंड लेट्स मूव टू टुडेज टॉपिक, जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है. सो एज यू कैन सी द स्क्रीन, आज हम प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है इसकी क्या मीनिंग है, एंड जब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं तो एक्चुअल में प्रीएम्बल इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने कहाँ से अडॉप्ट किया एंड बाकी सारी चीज़ें, क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर हम प्रीएम्बल का मीनिंग देखें तो ये वर्ड जो है एक्चुअली लेटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, प्रीएम्बलस. एंड प्रीएम्बलस की जो मीनिंग है दैट इज़ वॉकिंग बिफोर, तो समथिंग दैट कम्स बिफोर, जो कुछ चीज़ से पहले आए. यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रीएम्बल देखने को मिलेगा. इफ़ यू वांट टू रीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप खोलते हैं तो सबसे पहले आपको प्रीएम्बल देखने को मिलता है वहाँ पे. तो सिमिलर केस है जैसे कि आप अगर कोई बुक लाते हैं एंड उसमें आपको एक इंट्रोडक्शन वाला पेज पहले ही मिल जाता है. सो इंट्रोडक्शन में असल में दिया क्या होता है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस बुक इज़ ऑल अबाउट, इस बुक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उनका एक क्रक्स जो होता है वो आपको इंट्रोडक्शन की बुक की इंट्रोडक्शन में दिया जाता है. सेम केस इज विद प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितना भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स है वो सारा आपको प्रीएम्बल में मिलेगा. सो यू कैन से प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली एक इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. या फिर इसको आप इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको प्रीफेस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं. तो सबसे पहले आपको प्रीएम्बल ही देखने को मिलता है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो अब जब प्रीएम्बल की बात यहाँ पे हो गई है तो इसके बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि द फर्स्ट कंट्री जिसने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया, तो हमारी तो नहीं लेकिन वर्ल्ड में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो पहली कॉन्स्टिट्यूशन थी जिसने प्रीएम्बल को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में रखा एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से स्टार्ट होती है. यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहली कॉन्स्टिट्यूशन थी जो प्रीएम्बल से स्टार्ट होती है एंड यहीं से जो लैंग्वेज है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की, ये अडॉप्ट की है किन्होंने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स. आपने देखा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो एक्चुअली ये लैंग्वेज जो है, ये स्टाइल जो है, ये जो है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, ओके कॉपी किया गया है, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं. सो अभी तक आपने देखा कि प्रीएम्बल इज़ एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सिंपली जितनी भी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उनका एक सारा क्रक्स जो है आपको प्रीएम्बल में देखने को मिलेगा. एंड इसके साथ अगर आगे बढ़े एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है इसका एक बैकग्राउंड है, इसका एक ओरिजिन है जो कि हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मिलता है. जैसा कि आपको पता है, आई टोल्ड यू पीपल, जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से 13 दिसंबर को 1946,
एंड इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखा क्या गया, जितने भी मेन आइडियाज़ थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगी तो किस तरह की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगी, एंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखी गई। लाइक इंडिया जो होगा एक सॉवरेन स्टेट होगा, पावर जो होगा वो लोगों से डिराइव किया जाएगा, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाएगा, एंड बाकी सारी चीज़ें भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उस टाइम पर रखी गई थी। इट वॉज यू नो पास्ड ऑन 13th of December 1946 इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ से ही शुरुआत होती है, ओरिजिन होता है हमारे प्रीएम्बल का। यही जो फिलॉसफी, जो फंडामेंटल फिलॉसफी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उस टाइम पे रखी गई, इसी को बाद में प्रीएम्बल में आपको ये देखने को मिलेगी। जो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसको अगर आप देखें एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आप पढ़ें तो दोनों में आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, जस्ट बिकॉज द प्रीएम्बल हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद अगर मैं आपको बता दूं कि यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया ऑन 22nd of January 1947, इस पर भी MCQ आ चुका है काफ़ी एग्जाम्स में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ये डेट आप याद रखेंगे 22nd of January 1947। बट इट वॉज यू नो मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13th of December 1946, आप ये भी याद रखेंगे। एंड से पहले आपको मैंने ये भी बताया था कि 9th of December 1946 को पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे एक टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट को भी इन्होंने यू नो अपॉइंट किया था, आपको मैंने नाम बताया हुआ है, अगर नाम आप भूल गए हैं तो आप इसको रिवाइज़ कर लें। एंड इसके बाद दो इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किए गए थे, ओके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो दो थे, आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कौन से दो नाम मैंने आपको बताए थे, एंड इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो था उसका भी मैं आपको नाम बता चुका हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपको चीज़ें लिंक रहें, एंड हम आगे तो बढ़ रहे हैं, हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, बट आपको पिछला भूलना नहीं चाहिए। ओके सो यहाँ तक आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस तरह से पास होता है, एंड बाद में आपको ये इसकी लैंग्वेज, इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो आप प्रीएम्बल में देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सेम केस जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसमें फंडामेंटल फिलॉसफी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अब आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल फिलॉसफी, मेजर आइडियाज जो हैं वो प्रीएम्बल में देखने को मिलेंगे, बिकॉज इट्स एक्चुअली क्रक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज आई टोल्ड यू पीपल। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रीएम्बल में आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, लाइक आप उनको कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। सो ये असल में क्या है कि प्रीएम्बल को अगर हम पढ़ते हैं तो प्रीएम्बल में मोस्टली हमें किन चीज़ों को देखने, क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं प्रीएम्बल में, ओके लाइक आप कोई भी चीज़ ले लें, आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, आप कोई बुक पढ़ते हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें उस बुक में यू नो पढ़ने को मिली। इसी तरह से जब हम प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो मेजरली देर आर फोर थिंग्स जो आपको प्रीएम्बल में, जब प्रीएम्बल को पढ़ेंगे तो प्रीएम्बल में आपको वो देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ओके तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी से यहाँ से क्या मीनिंग है इसका कि प्रीएम्बल में जब आप प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो प्रीएम्बल की पहली ही लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओके वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो लोगों को रखा गया है, ओके सोर्स ऑफ अथॉरिटी आर पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी डिराइव करती है कहाँ से, लोगों से। इस पे भी MCQ आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, तो MCQ इस तरह से बन सकता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी आर पीपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेकंड थिंग हमारे पास है जो प्रीएम्बल में हमें देखने को मिलती है, दैट इज़ नेचर ऑफ स्टेट, कि इंडियन स्टेट जो है ये इसका क्या नेचर है, किस तरह का है, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, टोटलिटेरियन है, किस तरह का नेचर है इंडियन स्टेट का, तो ये भी हमें प्रीएम्बल में देखने को मिलता है। अब अगर आपने देखा होगा, प्रीएम्बल को पढ़ा होगा, तो यू विल फाइंड दैट जब हम प्रीएम्बल को पढ़ते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक,
So this is the nature of Indian constitution, this is the nature of Indian state in the constitution. आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, प्रेम्बल में नेचर ऑफ इंडियन स्टेट ये है कि इंडियन स्टेट इज सॉवरन, इंडियन स्टेट इज सोशलिस्ट, इंडियन स्टेट इज सेक्युलर, इंडियन स्टेट इज डेमोक्रेटिक एंड इंडियन स्टेट इज रिपब्लिक. सो ये नेचर है इंडियन स्टेट का कि इंडियन स्टेट असल में है किस तरह का, तो ये भी आपको प्रेम्बल में देखने को मिलेगा. ओके, एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली प्रेम्बल किस तरह से है. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेम्बल में क्या क्या चीज़ें हैं. ओके, एंड इसके साथ अगर मैं आपको ये भी बता दूँ कि सॉवरन की जब हम बात करते हैं तो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है इंडियन स्टेट, किसी आउटसाइड फोर्स का इन्फ्लुएंस नहीं है यहाँ पे, इंडियन स्टेट अपने डिसीजन खुद ले सकता है. सो दैट इज़ एक्चुअली सॉवरन होने का मीनिंग. एंड सेक्युलर, आपको पता है कि यहाँ पे कोई सिंगल रिलीजन नहीं है जो स्टेट स्पॉन्सर है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन्स को फ्रीडम है. ओके, सो दिस इज सेक्युलर. एंड डेमोक्रेटिक, आपको पता है कि यहाँ पे इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, यहाँ पे लोगों को राइट टू वोट है एंड लोगों की वजह से ही गवर्नमेंट बनती है. ओके, सो दिस इज़ हाउ इंडिया इज डेमोक्रेटिक. एंड रिपब्लिक की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट. जब हेड ऑफ द स्टेट की हम बात करते हैं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट. एंड जब हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री. एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रिपब्लिक का ये मीनिंग भी होता है कि जहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस ना हो, व्हेन देयर इज नो आर्बिट्रेरीनेस. ओके, सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एज वेल एज इंडिया इज़ ए रिपब्लिक कंट्री. यहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस नहीं है इन द सेंस कि यहाँ पे यू नो पावर जो है वो एग्जैक्टली लोगों के पास है एक्चुअली. ओके, इन एन इनडायरेक्ट वे, लेकिन पावर जो है लोगों के पास है. सो इसके साथ साथ सोशलिस्ट की बात हम कर लें तो यहाँ पे जब हम सोशलिस्टिक बोलते हैं इंडिया को तो ये आप यू नो कार्ल मार्क्स वाला सोशलिज्म नहीं है, यू नो दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशलिज्म. तो यहाँ पे सोशलिज्म की जब बात करते हैं तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की हम बात करते हैं कि इंडियन इकॉनमी की जब हम बात करते हैं तो ये यू नो प्राइवेटली ओन्ड भी है एंड स्टेट ओन्ड भी है. तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है. इंडिया में एक मिक्स्ड इकॉनमी आपको देखने को मिलती है, प्योरली सोशलिस्ट इकॉनमी आप नहीं बोल सकते इंडियन इकॉनमी को. इट हैज अ डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफ सोशलिज्म जिसमें आपको एक मिक्स्ड इकॉनमी देखने को मिलती है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंडियन प्रैम्बल में दी गई हैं. ओके, इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इंडियन प्रैम्बल में आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट देखने को मिलेंगे. सो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सिंपली ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं कि इंडियन स्टेट में जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए लोगों को, एंड यहाँ पे फ्रेटर्निटी भी होनी चाहिए. तो ये सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव हैं इंडियन स्टेट के एंड ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं. ओके, तो इक्वालिटी, आपको जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें जो हैं ये टर्म्स जो हैं क्लैरिफाई हो जाएंगी. सो हम फंडामेंटल राइट्स को जो पढ़ेंगे तो हम इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे एंड वहाँ पे हमें ये लिंक होके समझ भी आएंगी. ओके, यहाँ पे अगर हम ये चीज़ें समझने लगें तो आपको उसके लिए फिलॉसफी का स्टूडेंट होना पड़ेगा, लेकिन जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी. अभी बस यहाँ पे आप प्रैम्बल में ये याद रखें कि प्रैम्बल में आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलते हैं. एंड एक और चीज़ आपको प्रैम्बल में देखने को मिलेगी, दैट इज़ डेट ऑफ एडॉप्शन, कि कब किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट. तो एज आई टोल्ड यू पीपल, 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट हुआ है एंड 26 जनवरी 1950 को एनैक्ट हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो एडॉप्शन की डेट जो है वो आपको प्रैम्बल में मिल जाएगी. ओके, सो दीज आर द फोर कॉम्पोनेंट्स, दीज आर द फोर इन्ग्रीडियंट्स, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, ऑफ प्रैम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मूविंग फॉरवर्ड, एंड यहाँ पे अब हम देख एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से भी, एंड प्रैम्बल को जब हम पढ़ते हैं, प्रैम्बल को जब हम समझते हैं, सो
क्या प्रीएम्बल हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है। सो अमेंडमेंट से क्या है मीनिंग अमेंडमेंट का, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज या तो कोई चीज़ ऐड करने से आएगी, कोई प्रोविज़न हम ऐड कर रहे हैं या फिर कोई प्रोविज़न हम रिमूव कर रहे हैं। ऑलरेडी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है एंड हम उसको रिमूव कर रहे हैं थ्रू एन अमेंडमेंट, या फिर कुछ नई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ रही है एंड दैट चेंज इज़ नोन एज अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है आर्टिकल 368 में दिया गया है, पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे दो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जो कि हमें याद रखने हैं। एक हमारे पास ये है कि बीरोबारी यूनियन केस वाला जजमेंट 1960 वाला, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैंस कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, ओके, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रीएम्बल को हम अमेंड नहीं कर सकते, ओके। सो दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड इन द बीरोबारी यूनियन केस 1960। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिवाइज करता है एक और केस में, जिसको केशव नंदा भारतीय केस के नाम से हम जानते हैं, 1973। तो यहाँ पे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट रिवाइज करता है अपना पहला जजमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि प्रीएम्बल जो है इट इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द बेसिक स्ट्रक्चर इज़ नॉट आल्टर्ड। तो यहाँ पे फिर से वही बात होगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे एक बार फिर से आप देख पा रहे हैं कि जो प्रीएम्बल है इट इज़ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 1973 केशव नंदा भारतीय केस, एंड बीइंग ए पार्ट ऑफ यू नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट कैन बी अमेंडेड, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट द ओनली कंडीशन इज कि हम प्रीएम्बल को अमेंड तो कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हम आल्टर नहीं कर सकते। जैसे प्रीएम्बल में वर्ड सेक्युलर है तो इसको आप अमेंड नहीं कर सकते, डेमोक्रेटिक है, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी, तो इन चीज़ों को आप अमेंड नहीं कर सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है ये सिर्फ अभी एक बार ही अमेंड हो चुका है। सो प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार, तो एक ही बार अभी तक अमेंड किया गया है इंडियन प्रीएम्बल, कब, 1976 में थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो तीन नए वर्ड्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में इंसर्ट किए गए, ओके, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये वर्ड पहले ओरिजिनली प्रीएम्बल का पार्ट नहीं थे। आपने देखा यहाँ पे कि प्रीएम्बल जो है अमेंड हुआ है, ओरिजिनली ये तीन वर्ड जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में नहीं थे, बट देवर एडर लेटर इन 1976 थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। एंड मैं आपको बता दूं 42nd अमेंडमेंट एक्ट को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बहुत सारे प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए गए, ऐड किए गए, तो इस वजह से 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे इस बात को, एंड ये तीन वर्ड्स को भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि बहुत बार MCQ इन्हीं पे बन जाता है प्रीएम्बल को लेके, कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो प्रीएम्बल में यू नो ऐड नहीं किया गया है 1976 में, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं प्रीएम्बल को लेके, ओके, प्रीएम्बल को लेके कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले KM मुंशी जो हैं इनका एक स्टेटमेंट है कि प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि ये इंडियन स्टेट की बात कर रहा है क्योंकि इंडियन स्टेट आपने देखा कि प्रीएम्बल में इट हैज़ बीन यू नो डेजिग्नेटेड, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रीएम्बल में इंडियन स्टेट को सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बताया है, तो इसलिए KM मुंशी कहते हैं कि ये हॉरोस्कोप है इंडियन स्टेट का, ओके, इंडियन स्टेट का ये हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप आपको पता है कि किसी के बारे में एस्ट्रोलॉजी वगैरह आपको पता अगर होगी तो,
उसमें बताया जाता है कि आज आपके साथ ये चीज़ें होंगी, आने वाले एक महीने में आपके साथ ये चीज़ें होंगी। तो वो कैसे बता रहे हैं, वो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसीजर होता है उसका, लेकिन यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप देख के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रैम्बल को आप देख के ये पता कर सकते हैं कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रैम्बल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो दैट इज़ वाई इट हैज़ यू नो टर्म्ड एज हॉरोस्कोप बाई के एम मुंशी। सेकेंड स्टेटमेंट वी हैव दैट इज़ अर्नेस्ट बारकर, इज पोलिटिकल थेरिस्ट है अर्नेस्ट बारकर, एंड ये कहते हैं कि प्रैम्बल इज़ की नोट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक की नोट जो है वो प्रैम्बल है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, एंड इससे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जो है वो पता चल जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इंडियन स्टेट जो है किन बेसिस पे बनाया गया है। सो इंडियन स्टेट इज़ डेमोक्रेटिक, इट इज़ रिपब्लिक, इट इज़ यू नो सॉवरन, इट इज़ सोशलिस्ट, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैम्बल में पता चल जाती हैं। एंड देन कम्स एन ए पालखीवाला। आई हैव टोल्ड यू दिस ऑलरेडी दैट एन ए पालखीवाला हैज़ यू नो कॉल्ड द प्रैम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो एन ए पालखीवाला सेज दैट इंडियन प्रैम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट बिकॉज अगर आप आइडेंटिटी कार्ड किसी का देखते हैं तो उसमें आपको बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाती हैं उस इंसान के बारे में, उसका नाम आपको पता चल जाता है, उसकी एज आपको पता चल जाती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता चल जाती है, उसकी पेरेंटेज आपको पता चल जाती है, उसका रेजिडेंस आपको पता चल जाता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्राइमरी थिंग्स यू नो एक इंसान के बारे में। तो इसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रैम्बल जो है प्राइमरी चीज़ों को आपको बता देता है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे अगर आप फर्दर इसको पढ़ना चाहें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैम्बल, ओके। सो नाउ कम्स द ओरिजिनल प्रैम्बल। सो ये है कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रैम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ओके, एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजंस जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी। मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ें भी, एंड इसके साथ साथ इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस 26th of November 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड टू गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो इस तरह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। देखें, डेट ऑफ अडॉप्शन मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ अडॉप्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स इंडियन स्टेट के क्या हैं, जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी एंड फ्रटर्निटी। तो ये भी आपको मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडियन स्टेट के, एंड इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आपको नेचर ऑफ इंडियन स्टेट पता चलता है। सो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, इट इज़ सॉवरन, इट इज़ सोशलिस्ट, इट इज़ सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट हमें प्रैम्बल से पता चल जाता है, एंड सोर्स ऑफ अथॉरिटी पता चल जाता है, लाइक दिस वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ हाउ सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो हैं वो पीपल हैं इंडिया में, यानी कि लोग हैं। द पावर द अथॉरिटी इज़ डिराइव्ड from the people, okay। So this was all about preamble of Indian Constitution, and I don't think there is anything left in the preamble of Indian Constitution। So preamble के बारे में इतनी ही चीज़ें थी जो मैं आपको बता चुका हूँ, and we'll continue this series tomorrow, and मैं आपको बता दूँ ये series continue रहेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये आधे रास्ते में बंद हो जाएगी। We'll talk about each and everything in the Indian polity from examination perspective, especially from the VLW exam. So till then, goodbye, take care, and if you have any question you can just write in the comment section, and of course we will keep this series continue, and bas isi tarah stay tuned. So we'll see you in next class. Till then, goodbye, and thank you so much for watching. Wings Ek Udaan.